कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? आज मैं बहुत इमरजेंसी में व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी भी छुट्टी हुई है और यहाँ पर हो रहे हैं रात के 8:30 और आज कलीम की बर्थडे है रात के 12 बजे। ट्रेन की आवाज़ आ रही है पीछे से, तो ट्रेन में जल्दी बताती हूँ मैं आपको। आपको ये बोल रही थी कि आज कलीम की बर्थडे है और मैंने अपने जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहीं से मैंने केक लिया है और अभी यहाँ पर हो रहे हैं 8:30 रात के। तो अभी मैं यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ूँगी और घर जाऊँगी। छुट्टी मैंने आज जल्दी ले ली है। आई हैव टू गो एलिजाबेथ लाइन। ट्रेन स्टेशन की आवाज़ ऐसी होती है यहाँ पर, सो इग्नोर द बैड साउंड। दिस इज़ द केक जो कि मैंने फिया से लिया है बिकॉज आई वर्क हियर। और यहाँ से मुझे एलिजाबेथ लाइन में जाना है, बट फर्स्ट आई विल चेक एलिजाबेथ लाइन जाती भी है या नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन से जुबली लाइन में जा रही हूँ और जुबली लाइन बीच में ख़राब हो गया, सो आज मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। नॉन स्टॉप मेरा इस हफ्ते बहुत काम था, एक दिन की छुट्टी मिली थी बस मंडे की, ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे काम ही काम, तो बहुत हालत ख़राब हो गई है मेरी, लेकिन कर रहे हैं फिर भी हम जिंदा हैं, करते रहेंगे जब तक जिंदा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एलिजाबेथ लाइन एंड हियर इट इज़। यहाँ पर सामने ही देखें अब बिग बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, तो उसको देख देख के हम जाते रहते हैं। तो मैंने अपने काम वाली जगह से पास्ता बनाया और कुछ कैंडल्स ली और आई एम गोइंग नाउ एट होम। और यहाँ पर बहुत लंबे लंबे टनल्स होते हैं, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जा रही हूँ और इसका टनल इतना लंबा था कि मुझे 5 से 10 मिनट यहीं पे लग गया। ये बड़ी खपाई है। सो हियर इज द स्टेशन। यहाँ पर ये लाइंस देखनी पड़ती हैं पहले कि अब कब किस साइड पे जाना है, तो मुझे स्ट्रेटफोर्ड जाना है, लेकिन ये ट्रेन वाइट चैपल से या तो इधर जाएगी एलबी वुड या फिर शेन फिल जाएगी, तो अनाउंसमेंट हो गई तो आई हैव टू चेक दिस। यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है यू कैन सी शेन फिल, तो मुझे शेन फिल भेजना है, बैठना है, 2 मिनट में आ जाएगी, सो आई हैव टू वेट फॉर दिस। दिस इज़ द मोस्ट लग्जरियस ट्रेन स्टेशन यू एलिजाबेथ लाइन, बाकी सबके नॉर्मल होते हैं, ये बहुत खूबसूरत होता है। ट्रेन से मैं उतर चुकी हूँ। एलिजाबेथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन, वरना मैं जुबली से आती हूँ। यहाँ पर यह है कि आपको बोर्ड्स देखने पड़ते हैं, स्ट्रेटफोर्ड सिटी टाउन सेंटर। इधर से मुझे बाहर जाना है। बेसिकली शादी से पहले मैंने कलीम की हर बर्थडे जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है वो की है, लेकिन इस बर्थडे में थोड़ा मसला ये है कि कलीम की बर्थडे कल है और हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है कल का, सो
वी कैन गो आउटसाइड और हमें छोटी मोटी घर पे ही सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। टाइम में इस टाइम रात का 1 बज रहा होगा, मुझे अभी कुछ भी ना था लाइक पानी शानी, लेकिन शॉप बंद हो चुकी है। तो दिस इज अ स्ट्रैटफोर्ड। यहाँ पर जब शुरू में मैदी बहुत आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कैनिंग टाउन स्टेशन में उतरती थी, बट जुबली लाइन गिव मी सक्स। सो मैंने आज अपनी ट्रेन बदल ली और अलिजबथ लाइन में आ गई। चली नोट के मैं आ रही हूँ अभी और वी हैव सम सब गेट टुगेदर, मे बी वी विल गेट आउट फ्रॉम होम बट नॉट श्योर, क्योंकि कल हमारा बहुत लंबा काम है और आज कलीम सुबह 6 बजे ही गए हैं और मेरे ख्याल से कलीम 6 बजे ही वापस आए थे। 12 घंटे की शिफ्ट किया जो है और मैंने 12 बजे गई थी मैं और मैं आई हूँ 8:30 तक, तो मैंने थोड़े से कम घंटे ही लिए, 8 घंटे ही होगी। सो यार इसी ने ये क्या है? की कॉल आ रही है, कमरा क्यों गंदा है? बोला चलो कहीं चले। बट द बॉय नो, मैं घर पे आ चुकी थी और अभी सीन ही बन रहा है हमारा कि फराज जो कलीम का दोस्त है यू गाइस नो, वो उसकी कॉल आई एंड वी आर जस्ट प्लानिंग के हम कलीम को सरप्राइज दें। मैं कलीम के लिए केक लेकर आई थी बट डजंट नो अबाउट दिस, उन्होंने बोला केक लेकर आना बट मैंने बोला कि नहीं अलाउ नहीं किया, हमने केक लेकर आना तो मैं केक लेकर आई हूँ, मैंने छुपा के रखा हुआ है। आई एम जस्ट पास्ता लेकर आई, मुझे पास्ता गर्म कर रही हूँ और साथ में सुबह के लिए आटा गूंद रही हूँ क्योंकि 2 दिन हमारी बहुत लंबी शिफ्ट है। पास्ता करना करूँगी तो नाश्ता हम दोनों करेंगे तो हम लोग जो है ना वो रह पाएंगे। तो सोचा था मैंने कि मैं आलू बना लूँ लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही, टांगों में बहुत दर्द है तो मैं बस आटा गूंदूँगी फिर मैं ऊपर जाऊँगी, हम खाना वाना खाएंगे। आटा सुबह के लिए गूंद के रख देते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये इसकी पहली लंदन में बर्थडे। Happy birthday to you. मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं इतनी मुश्किल से यूं यूं करके आया हूं कमर में। ये देख लेके आया हूं तेरी। मैंने अभी से कमर दबाई थी, इतना दर्द हो रहा था कमर। मैं ये टेस्को से पहले एक मसाज वाला उस पे लिखा हुआ कि अगर आपको बैक पेन है तो मैं उधर में चलो तेरी वीडियो है। ये मैं लेकर आई थी साजन भाई वाला केक है। जी हाँ। ऐसी ऐसी मुझे बोल रहे थे। अरे ये फ्लावर बनेगा इसका, इसका फ्लावर बनेगा। हाँ चल तुम काटो ना, बस तुम तो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, काट दो केक। चलो भाई ये लो भाई, और साधन भाई का थैंक यू ये ले। राजी ये अच्छी है, राजी चल चल। सो गाइस कलीम की बर्थडे थी और है आज और मैं इनके लिए यार लो वीडियो बंद तो करो फिर ये करो यार। कलीम गंदा हो रहा है यार, इसके ऊपर थोड़ी गिर रहा है, गिर रहा है कलीम के लिए। मैं टैरगन पास्ता बना के कलीम मेरी मेरा जब लगेगा ना मैं धो दूंगा। मेरा कंफर्टर गंदा हो रहा है, ये देखो इनका खाने का तरीका देखो। कलीम मेरा कंफर्टर गंदा को उठ के बैठ के खाओ। कलीम आप नीचे गिराओगे मुझे जब गंदा होगा ना मैं धो दूंगा। मुझे पता है आप कैसे खाते हो, इसको हटा दो, इसको आगे से हटा दो बस। ये तुमने खुद बनाया? जी हाँ मैंने खुद बनाया, बनाने भी नहीं आता।